इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और गार्ड्स के खिलाफ दरख्वास्त में अस्पताल चौकी जमा करा दी। इस बारे में बात करेंगे अपने नुमाइंदे अता मोहम्मद से। अता, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े से मुतालिक। जी बिल्कुल मुजम्मिल, जो है ऐसे लग रहा है कि लाहौर के तमाम अस्पतालों के जो गार्ड है उनके वो जो है बिल्कुल उनका जो गुस्सा है वो कंट्रोल से बाहर हो गया है। और इसी ही तर्ज के पहले सर्विसेज अस्पताल में वाकई पेश आया था कि गार्ड के और लवाहिकीन के दरमियान हाथापाई और जिसकी वजह से जो है पुलिस कांस्टेबल की डेथ हो गई थी। और अभी जो है ये वाकया जनरल हॉस्पिटल में भी इसी तरह आया था, लवाहिकीन और गार्ड के दरमियान जो हाथापाई हुई, जो है जो नौजवान था वो भी जहाँ बाको। अभी अगर बात है कि म्यू अस्पताल में भी इसी तरह के वाक्य जो है पेश आने लग गया है कि गार्ड जो है चार बच्चों पर तशद्दुद किया है। बच्चों के वालिदैन की जान से ये इल्जाम आयद किया गया कि गार्ड जो है बच्चों से पैसे वसूल करने की कोशिश करता था, लेकिन जिसकी वजह से बच्चों ने पैसे नहीं दिए, गार्ड ने जो है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और बच्चों के जिस्म पर जो है यहाँ पे जो गन उठाया था, गन के जो है वो निशाना देखने में आ रहे हैं। और जबकि दूसरी जानब से जो है बच्चों के वालिदैन ने थाना जो है म्यू अस्पताल चौकी पर जो है इस हवाले से दरख्वास्त भी दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अता मोहम्मद, आपने अपडेट किया। लाहौर जनरल अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स की बात कलामी और